दिलवा में जगह देदा, दिलवा में जगह देदा, का करी गोर कैया अच्छा बाबूजी, महाकाली साधक परिवार के तरफ से श्री संदीप पांडे के सौजन्य से हम टीएफ कंपनी के लिए महेंद्र बच्चन एंड पार्टी अपन विरह छोड़ रहल बानी बाबूजी। सभी भोजपुरिया श्रोता भैया लोगन के आशीर्वाद चाहता, जैसे और अन्य कृषक में हमके आशीर्वाद दिला। हमारे बीच में बैठे हमारे पिता तुल्य आशीर्वाद श्री गया प्रसाद यादव जी, श्री विजय लाल यादव जी, और हमारे बीच में बैठे संजय गुप्ता हरहुआ से, साथ में मनोज यादव कवि जी गुरु जी, दिनेश लाल यादव बड़े सुंदर विरह के कलाकार आयर से बड़े भैया के चरण में प्रणाम कर रहे थे। क्या भूमिका हो मास्टर साहब, दुख लिखू तो कलम करती संवाद है, और कितना लिखोगे दुखत दास्ता, पाप को लिखते लिखते अब मैं थक चुकी, रोक लो ऐ कलम घर तुम्हारी बयां, सोच लो जिस कलम से कलम होते सर, हर वक्त पर स्याही बदली तो खूनी बनी, कैसे उनका गुजर होगा बोलो गया, गोद दुर्भाग्य से जिनकी सुनी बनी, देखे साथियों एक करुण घटना आप लोगों के सामने, टीवी चैनल आप रोज देखते हैं, कितनी हमारी माताओं का आंचल सून हो गया बाबू। लेकिन बताया जाता है दुलाइन कव्वाली का अंदाज बा मास्टर साहब, कौन बा आवा से दुश्मनी ले रही है, अरे इश्क से दुश्मनी ले रही है, अरे हुस्न को फतवा दे रही है, कहना है अरे
पागल के दीवाने पन का, अरे सारी बस्ती बचा रखी है। लेकिन बाबू इत कौआली रहल हाँ में बड़ा सुगर हमरे गया प्रसाद यादव जी लिखलन का अरे देश की हो दशाया गई है, अरे देश की हो दशाया गई है, अरे दर्द हर हाल में छा गई है, के बड़ बोले पन से, अरे एक शासन के बड़ बोले पन से, अरे नौनी हालों को मौत खा गई है, एक शासन के बड़ बोले पन से, नौनी हालों को मौत खा गई है। लेकिन बतावल गई बाबू कहानी के अंदर कवि जी लिखलन कैसे, खुदा तो एक पर खुदा एक होता है, लेकिन बाबू पैदा तो संसार को किया खुदा, कहना है बता देना चाहता हूं, खुदा तो एक है पर अनेक रूप धारा गए, खुदा तो एक है, खुदा तो एक पर अनूक रूप धारा है, डॉक्टर पैद जज वकील को संवारा है, कभी भी कर्म से इनको न दूर जाना था, प्रभु स्वरूप अगर हमने इनको माना था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने रुलाया है, किला गोरखपुर गोरखनाथ को हिलाया है, मौत बच्चों की हुई संख्या तो 60 रही, अब तक 72 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बता देना चाहता हूं, मौत बच्चों की हुई संख्या तो 60 रही, जहां सरकार मेरी अच्छे दिन को बांट रही, भानुमति नारी से। ए बाबू जिला गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की यह घटना रही, बताया गया टीवी टेलीविजन और आप लोग पेपर में रोज देखते हैं, लेकिन कितना दुख को बताऊं मित्रों, एक लाइन या कवि जी बाबू तर्ज लिख लें कैसे बाबू आवा,
बाबा कमाल के बार, रुपवा कमाल के बार, रखी संभाल के बाबू। बोधन गांव के रहने वाले प्रबोधन तिवारी का एक मासूम बेटा है। बड़ा दिन के बाद कुदरत एक लड़का दहलन, चौने बेटवा के नाम बड़ा प्यार से मतारी विकास रख ली भैया। बहुत दुलार प्यार बड़े लाड दुलार से पाला गया बेटा, लेकिन भाव लिखला हमरे गया प्रसाद यादव जी कैसे आए हाय हाय हाय। बड़ा हो नहार बाटे बेटा विकास हो, राखेली माई हरदम अखिया के पास हो। बेटा घर पे नहीं आता है, माँ की ममता हर समय चित्कारती और पुकारती है, कहती है मेरा बेटा नहीं आया अभी विकास, लेकिन कहना है नवा पितावत रहले सपना सजाई के, लायक बनैबे अपने बेटा के पढ़ाई के, माँ हर समय कहती है तिवारी जी से कि मैं अपने बेटे को उतना शिक्षा दूंगी जितना मेरा बेटा पढ़ सके, भले से हम लोग तूका खाएंगे आधी खाएंगे गरीबी में बिता लेंगे, लेकिन कहती क्या है भले ही बिताए जाए तू लिखे दवा है, भले ही बिताए जाए तू लिखे दवा रहिया रहिया निहारे बेटा डेली स्कूल जाए।
और अपने समय पे वापस आ जाएं बाबू। लेकिन बहुत लाड़ दुलार प्यार है विकास के प्रति दोनों तिवारी तिवराइन जी के। यहाँ देख ला इन तरज बदल गला जय सिंह बाबू कहला है ओए तर जवाब हाई सुहागरा तू जइया चर चर कर चर पैया लेकिन बाबू वक्त का लोग बताते हैं समय का चक्र बड़ा अजीबो गरीब हुआ करता है। लेकिन बतावल गई भाव में लिखला हमारे गुरु जी पांच या दस्त के ही बतिया चरण बुखार अभी रतिया जिस समय विकास बेटे को फीवर हो जाता है बुखार हो जाता है तगड़ा बुखार है रात में माँ घबरा गई तिवारी जी से कहने लगी मेरा बेटा बहुत ज्यादा बुखार से परेशान है। क्या कहती है बाबू दुखवा से रतिया तो हो गई भाग्य भैल जब सरकार रिफर कैले डॉक्टर तैसा मैया ये बालम रिफर कैले डॉक्टर तैसा मैया ये बालम जब से दिया दाना दवैया ये बालम जब से दिया दा बाबू जिस समय विकास मुन्ना को बहुत तगड़ा में फीवर हो गया ले जाकर के हॉस्पिटल में दो चार डॉक्टर को दिखाए लेकिन सारे डॉक्टर रेफर कर देते हैं। लेकिन बाबू जिस समय मेडिकल कॉलेज में ले जाकर के भर्ती किए विकास मुन्ना को होश नहीं है बाबू आंखें नहीं खुलती माँ बाप बहुत दुखी हो गए कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए लेकिन बाबू कहलन का बिरह निकला इन तरज बाब मास्टर साहब अरे अस्पतालिया में नहीं खड़ी
से कुदरत का कृपा देखें, कुदरत का करिश्मा देखें बाबू। और खत्म ऑक्सीजन भैली लगन भैया हथवा उठाई डकटरवा खत्म ऑक्सीजन भैली लगन भैया हथवा उठाई डक खत्म एक सीजन भैली लगन भैया हथवा उठाए तो तारवा अरे एक सपरी गईले समय 30 बच्चों का मृत्यु एक साथ हो जाता है, खलबली मच गया, कोड़ा कोड़ा मच गया, जैसे जंगल की आग भड़क जाए, सनसनीखेज पूरे लोग गुस्सा में एकदम बिल्कुल उत्साहले हो गए। लेकर के बाबू अपने साथियों को मेडिकल कॉलेज को घिरवा लेते हैं। लेकिन कभी जी बिरहा शैली में लिखना बाबू, टेरिक लाइन में कैसे आवा अरे बताओ जिम्मेदारी किसकी हो, अरे बताओ जिम्मेदारी हो, बताओ जिम्मेदारी किसकी, अरे मौत की गोद में सोई भविष्य की किसकी। ए बाबू एक साथ में इतनी लाशें देख आंख पथराए गई, एक साथ में इतनी लाशें देख आंख पथराए गई, मची खलबली सबके अंदर धरती मां थर्राए गई। प्रबोधन का बुरा हाल था, भानुमती को भान नहीं, अर्धहोश में कहन लगी कौन कहे भगवान नहीं। लेकिन कहना है बाबू विराह में हो तर्जमा मास्टर साहब, कौन तर्जमा कि यही पार गंगा माई हो, ओ ही पार जाना हो,
कैसे भैया? ये कवोरी फार्ज रहल है, ये कवोरी जिंदगी क्या हो, को और विकास की मम्मी को कि बालक आपका मर चुका है, बाबू कलेजा फट गया हो, लेकिन देख के रोवाई फाते सबके करे जावा हो, जिस समय बच्चे को अपनी गोद में लेती है विकास को, आस पर बोधन तिवारी उनकी धर्म पत्नी बाबू रो रो करके कहती है कि डॉक्टर आपके पास जब ऑक्सीजन नहीं था तो पहले बता देना चाहिए था, आस मेरा एक लौता बेटा, मैं दुनिया में कैसे जीवित रहूंगी डॉक्टर साहब, आपको भगवान का दूसरा रूप दिया जाता है डॉक्टर साहब बता दीजिए। भाव गंदर कवि जी बड़ा सुंदर लाइन लिख ला, फर्ज बा हमारा भाई। मौत के खबर भुखमाई लगल समय बाबू पूरे मेडिकल कॉलेज को घेर लिए, गोरखपुर पूरा इकट्ठा हो गया, सारे लोग बिल्कुल आक्रोश में हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल डॉक्टरों का मस्करी है, किसी का नवजात शिशु, किसी का आज हरा भरा गोद उजड़ गया। बाबू रो करके सब यही कहते हैं का पापड़ गलाइन हो भैया, अरे पचल है उनके जन्म आवा देर लगावा ना, अरे पचल जवन हो उनके जन्म आवा देर लगावा ना, अरे जल्दी सीएम योगी के बुलवावा देर लगावा ना, जुटा के हिम्मत लोग लुगाई कई ले नारे बाजी हो, पुलिस
पुलिस पहुंच के मौके पर कैले बासा तिहा राजी हो। अरे पूरे देश के मौज के खबर दिखावा देर लगावा नाम। अरे बाबा जी के कुर्सी से हटावा देर लगावा नाम। ए भैया, जिस समय लोग आवाज देते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, इस मसला को हल करेंगे, ऐसा क्यों हुआ? इतने बालक अगर से बाबू अपने हिंदुस्तान अपनी धरती से ऐसे ही जब मरेंगे तो हर माँ बेटे को हो जाएगी। भैया कहना है आलाम प्रमाण कवि जी दिखल कहते हैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, आखिर एक कार में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? मेडिकल कॉलेज में अच्छे अच्छे एमबीबीएस सर्जन रखे गए हैं, फिर भी आज इतने नौजवान सुसु दुनिया छोड़ करके चले गए। सरकार बता दीजिए हम लोगों को, पूरी पब्लिक सवाल करती है। और गया प्रसाद यादव की कलम यहां एक लाइन सभी श्रोता भैया लोगों से सवाल करती है, किस लाइन पर? आखिरी लाइन हो, अरे उजड़ल गोदिया बालक के सजाई नेताजी, तो से पूछे तानी रोके आई माई नेताजी। Everybody!
बूझे वाला के बा हमरे दिलवा के पीरा, ओकरा से पूछा जेकर लूट गई ले हीरा। पागल बन के घूमे लाल गवाई नेताजी। सारी माँ जो अपनी बच्चों को खोकर बैठी हैं, अपने आंचल को फैला करके माँ ने योगी आदित्यनाथ के सामने जाकर के आंचल फैलाई हुई है कि मेरे बेटे को कहां से देंगे साहब, का कहने। अरे भानुमति रही रही के हो जाली अचेत हो, अहिले ना विकास होत बाटे बड़ा लेट हो, कवन करत बाटे उ पढ़ाई नेताजी। सबसे पहले मैं चाहूंगा श्रीमान संदीप पांडे जी, जो इस गीत की रचना बैठ करके माननीय श्री गया प्रसाद यादव जी से करवाए, जो आज करोड़ों कहानी मार्मिक बाबू कलेजा को छू लेती है, एक कहानी को बैठ करके आप लिखवाए। आखिरी प्रमाण है, खानदान का परिचय है। गुरु बिहारी गुरगणेश रामलाल गमगीन, स्वर्ग से चंद्रिका कवि लिया कयामत छीन। अरे बताओ जिम्मेदारी किसकी, महेंद्र गया।